स्वागत है आपका। कल आईपीएल 2019 के 8वें मैच में चेन्नई सुपर किंग जो है वो किंग्स इलेवन पंजाब से भिड़ने वाली है चेन्नई सुपर किंग के अपने होम ग्राउंड में। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में हमें दिखाई दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ड्वेन ब्रावो जो है पिछले मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी के शिकार हुए थे, ऐसे में वो ये मैच जो है वो मिस कर सकते हैं। वहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था कि वो कुछ चेंजेस जो है वो करने वाले हैं अगले मैच में, पिच के ऊपर ये डिपेंड करेगा। और यहां पर उन्होंने अपनी डेथ बॉलिंग को भी काफी बड़ी कमजोरी बताई थी, ऐसे में दोस्तों फास्ट बॉलर भी जो है वो हमें चेंज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बात करें अगर किस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो चेन्नई सुपर किंग की इस मैच में हो सकती है, तो यहां पर शेन वॉटसन और अंबाती रायडू जो है वो हमें ओपन करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर दोस्तों सुरेश रैना होंगे, लेकिन नंबर 4 पर यहां पर फाफ डुप्लेसिस जो है वो हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था कि इनकी बैटिंग जो है वो काफी शॉर्ट लगती है। वॉटसन और रायडू, रैना और महेंद्र सिंह धोनी के बाद काफी शॉर्ट इनकी बैटिंग लाइनअप हो जाती है, ऐसे में पांचवा बैट्समैन यानी कि फाफ डुप्लेसिस को जरूर से जो है खिलाना चाहेगी टीम। केदार जाधव जरूर है, लेकिन दोस्तों यहां पर फाफ डुप्लेसिस को भी जरूर से प्लेइंग 11 में खिलाना चाहेंगे। इनके बाद दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी होंगे नंबर 5 पर, नंबर 6 पर होंगे केदार जाधव। नंबर 7 की अगर बात करें तो अगर ड्वेन ब्रावो नहीं खेलेंगे तो इनकी जगह पर स्कॉट कगलिसन को जो है वो मौका मिल सकता है, जिनको रिप्लेसमेंट के तौर पर लाए हैं लुंगी एंगडी के। ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों बॉलिंग ऑलराउंडर है, ऐसे में ये 7वें नंबर पर हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर रविंद्र जडेजा 7वें पे और ये 8वें पे। 8वें पे दोस्तों रविंद्र जडेजा, उनके बाद 9वें नंबर पर दीपक चहर, 10वें नंबर पर इमरान ताहिर। बात करें 11वें नंबर की तो दोस्तों मोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर, इनमें से एक तो पक्का है कि कंफर्म नहीं खेलेगा और दूसरे प्लेयर पे भी यहां पर डाउट है, क्योंकि यहां पर केएम आसिफ को जो है वो मौका मिल सकता है। पिछले साल इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, ऐसे में मोहित शर्मा को भी हटाकर केएम आसिफ को जो है यहां पर इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी जो है वो खिला सकते हैं। अब देखना होगा कि केएम आसिफ खेलेंगे या फिर मोहित शर्मा खेलेंगे, तो इनमें से कोई एक जो है 11वें नंबर पर हमें खेलता हुआ नजर आएगा। तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो चेन्नई सुपर किंग की हो सकती है, जहां पर 3 बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। फाफ डुप्लेसिस यहां पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, स्कॉट कगलिसन आ सकते हैं और केएम आसिफ भी यहां पर हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों ऐसी कुछ प्लेइंग 11 जो है वो हमें लग रही है चेन्नई सुपर किंग की होगी किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ। आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से चेंज होने चाहिए, कैसी प्लेइंग 11 होनी चाहिए, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और क्या इस प्लेइंग 11 के साथ चेन्नई सुपर किंग किंग्स 11 पंजाब को हरा पाएगी, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।